गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत सिंह है। आप सभी का आपका पाठशाला में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की सेट का इंट्रोडक्शन। तो आज हम क्लास 11 की सेट का इंट्रोडक्शन बताएंगे कि सेट पढ़ना क्यों होता है, सेट हमारे लाइफ में क्या यूज है। यदि आज हम सेट पढ़ते हैं तो आगे चल करके कहाँ कहाँ यूज है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं कि सेट को सबसे पहले खोज किसने किया। तो सेट को सबसे पहले जॉर्ज केंटर द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जॉर्ज केंटर ही सेट को खोज किया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग भी पढ़ना स्टार्ट किए। और पढ़ना स्टार्ट किए किस लिए पढ़ना स्टार्ट किए, क्या हो सकता है इसके बारे में भी समझाते हैं। तो देखिए, जो हमारा सेट चैप्टर है, जैसे एग्जांपल समझाते हैं आपको, परीक्षा जो चैप्टर है इसमें भी सेट का बहुत योगदान है। यदि हमारा सेट अच्छा नहीं है तो आप परीक्षा नहीं पढ़ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं क्लास 11, 12 और आगे चल करके पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर परीक्षा हर जगह पढ़नी है। उसके बाद आती है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति तो आपको हर जगह पढ़नी है, वहाँ भी इसको हो सकता है सेट का। उसके बाद आती है अनुक्रम, यानी आप पढ़ोगे APGP, यानी आप अनुक्रम यानी जो समांतर श्रेणी क्लास 11th में पढ़े हैं, अब यहाँ पर 11th में जब आएंगे, अब हम 11th में जो आए हैं वहाँ पर AP भी पढ़ना है और GP भी पढ़ना है और HP भी पढ़ना है। इन तीन चैप्टर को पढ़ना है। पहले आप AP के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ समझ चुके हैं, लेकिन उससे अब यहाँ हाई लेवल का होगा। साथ में GP भी पढ़ना होगा और HP भी पढ़ना है। तो इन चैप्टर में सेट की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद आता है ज्यामिति, ज्यामिति चैप्टर में भी हमारा हो सकता है। तो इन चारों चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बाकी जो गणित के शाखा हैं उन चैप्टर में भी इसका आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन इन चैप्टरों में ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सेट का ज्ञान होना ही चाहिए। आगे चल करके जो हम कंपटीशन का तैयारी करेंगे वहाँ पर भी सेट से एक सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको, जॉर्ज केंटर ने सबसे पहले और ट्रिगोमेट्री का कोई प्रश्न सोल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने जब इस कोई भी एक ट्रिगोमेट्री का प्रश्न हो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जब ट्रिगोमेट्री का कोई एक प्रश्न था उसको सोल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर इनको सेट से पहचान हुआ, इनको आवश्यकता हुआ। वहाँ पर ऐसा कंडीशन ही आ गया था कि इनको पता नहीं चल रहा था कि अब यहाँ क्या किया जाए, और उस वक्त सेट का कोई आता पता नहीं था। तब इन्होंने, जॉर्ज केंटर ने ही वहाँ से इस पर लगे और उन्होंने कुछ वर्ष बाद खोज करके दिखाया था। तो जॉर्ज केंटर ने हमारे सेट को दिए हैं। और एक बात इसमें बता देते हैं कि एक होता है जो हमारा क्लास 11 की अगला चैप्टर संबंध एवं फलन, और आगे जाएंगे तो क्लास 12 में तो वहाँ भी संबंध एवं फलन पढ़ना है। संबंध एवं फलन जो चैप्टर है ना, इसमें यदि आप सेट नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 10% भी नहीं बन पाएगा। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इसको संबंध एवं फलन पढ़ने में। यदि आप सेट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल करके जो हमारा सेकेंड चैप्टर संबंध एवं फलन है वहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत आएगी। और जब आप 12th क्लास में चल जाओगे वहाँ पर भी संबंध एवं फलन फर्स्ट ही चैप्टर है, और वो लगभग आपके एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछा जाता है। यदि आप क्लास 11 के चैप्टर सेट को ड्रॉप कर देते हैं तो आप क्लास 12 में जब जाइएगा वहाँ पर आपसे बिल्कुल संबंध एवं फलन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर वहाँ पर आपको सेट पढ़ने की आवश्यकता आएंगे। उससे बेहतर है कि क्लास 11th में इस सेट को हम अच्छे से पढ़ लें
और जब 12 में जाएं या कहीं भी कुछ आवश्यकता हो संबंध में फलन, परिरेखता, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अनुक्रम, एपी, जीपी, एचबी जो चैप्टर में यूज है, यदि हम उस चैप्टर को पढ़ें तो हमको कोई डाउट न रहे, हम बिल्कुल 100% श्योर रहें कि हम सेट पढ़े हैं, तो इन चैप्टर को भी जहाँ भी यूज होगा वहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि आज से क्लास 11th और 10th की रेगुलर वीडियो अपलोड होगा हिंदी मीडियम में, ठीक है, रेगुलर वीडियो आएंगे। और साथ में आपको एक बात बता दें कि यदि आपको क्लास 10th और 11th का हिंदी मीडियम में फुल कोर्स करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास या आपके नज़दीकी संबंधी जो भी हो जिनको आवश्यकता है फुल कोर्स करने के लिए क्लास 10th और 11th के, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा, आपके जो भी दोस्त हो उनको ज़रूर बताना। तो आज से हम वीडियो रेगुलर अपलोड करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी आएगा, उसके बाद चैप्टर अपलोड करेंगे और क्लास 10th का भी सबसे पहले थ्योरी उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में।